दोस्तों स्वागत है आपका। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और दोनों ही मैच को बड़ी आसानी से टीम इंडिया ने जीत लिया। अब दोस्तों 21 अक्टूबर से जो है 5 ओडीआई मैचों की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए टीम का सिलेक्शन हो चुका है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है वो टीम से बाहर किया गया है, रेस्ट दिया गया है। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उन 3 प्रॉब्लम्स के बारे में जिनको टीम इंडिया फेस करने वाली है इस ओडीआई सीरीज में, और कैसे टीम इंडिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी वो भी देखने वाली बात होगी। तो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है केएल राहुल को लेकर, कि क्या केएल राहुल जो है वो प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे। आपको बता दें कि एशिया कप 2018 में रोहित शर्मा की कप्तानी में वो अपनी जगह जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं बना पाए थे। एक मैच सिर्फ उन्हें खेलने का मौका दिया गया था और फाइनल में भी जो है उन्हें नहीं खिलाया गया था। ऐसे में क्या विराट कोहली की प्लेइंग 11 में केएल राहुल की जगह बनती है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और देखना होगा कि इसका जवाब जो है वो हमें क्या मिलता है पहले ओडीआई मैच में। दूसरी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो वो है दोस्तों मिडल ऑर्डर जो है दोस्तों काफी समय से टीम इंडिया की प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसमें काफी ज्यादा प्लेयरों को जो है टीम इंडिया ने इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तक जो है फिक्स मिडल ऑर्डर टीम इंडिया के पास नहीं आ पाया है। इस सीरीज की अगर बात करें तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक को स्क्वाड से बाहर किया गया है। अंबाती रायडू, मनीष पांडे, ऋषभ पंत और केएल राहुल, ये 4 जो है मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो इस सीरीज में हमें दिखाई देने वाले हैं। अब इनमें से किने जो है वो प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। आपको क्या लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों बात करें फाइनल प्रॉब्लम की तो वो है फास्ट बॉलिंग। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को जो है वो रेस्ट दिया गया है। आपने देखा होगा कि एशिया कप 2018 की पहले मैच में जब जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में जो है वो टीम इंडिया पड़ी थी हांगकांग के खिलाफ, और ऐसे में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार के बिना देखना होगा कि कैसी जो है टीम इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप इस सीरीज में काम करती है, जहां पर मोहम्मद शमी है, शार्दुल ठाकुर है, खलील अहमद है। तो ये भी देखना एक बहुत ही दिलचस्प होगा कि कैसा जो है फास्ट बॉलिंग लाइनअप टीम इंडिया का होता है इस सीरीज में। दोस्तों ये थी वो 3 छोटी सी प्रॉब्लम जो कि टीम इंडिया फेस करने वाली है इस ओडीआई सीरीज में। अब कैसे टीम इंडिया इसको सॉल्व करेगी देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।